नमस्कार दोस्तों, ये तमौली गांव है, मुलायम सिंह ने इसको गोद लिया हुआ गांव है और यहां स्वच्छता अभियान के तहत संयोग से वो शौचालय बन गया जो मोदी जी 12,000 रुपया देके पूरे देश में बनवाने की गारंटी करते हैं। इन्होंने ये बनाया है, देखिए गड्ढा है और ये खुद खड़े हैं, इसके मालिक हैं इस घर के। क्या नाम है साहब आपका? बैजनाथ यादव हैं ये। तो बैजनाथ जी, ये सरकार जो 12,000 रुपया देती है उसमें बन गया ये? नहीं बना। क्या पैसा लगा थोड़ा बताइए। 24,000 रुपया, 25,000 रुपया लगा। 24-25,000 रुपया लग गया। तो सरकार कैसे कहती है 12,000 में बन जाएगा? आपको कितना मिला है वैसे? मुझको 6,000 मिला है अभी तक। 6,000 मिला। तो ये लैट्रिन बनवाने में कितना पैसा लगा जरा जोड़ के बताइए, कितना ईंटा लगा, कितना बालू लगा, कितनी सीमेंट लगी जिससे 24,000 होता है? 10 बोरी सीमेंट लग गए, 10 बोरी सीमेंट लग गए, 40,000। हाँ, 70-80 किलो सीख लग गए, 60-70 किलो सीख लग गई। सीख का होता है सरिया। अच्छा, सरिया पड़ी। हाँ, तो सर सरकार 6,000 रुपया आपको दी है, 6,000 बाकी कब मिलेगा? मालूम नहीं कब मिलेगा, वह कैसे मिलेगा। आइए जरा आपका लैट्रिन देख लिया जाए, अभी आप शायद बना नहीं पाए ना? नहीं बना पाए, पैसा नहीं है मेरे पास, मैं कहाँ से बनाऊँ। हाँ, मेरे पास पैसा ही नहीं है इस वक्त। ये है, ऐसा कोई बहुत भव्य भी आपने नहीं बना दिया है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा जिसमें कि बहुत ज्यादा पैसा लग गया हो। तो फिर 6,000 रुपया दिया तो 12,000 में बनता नहीं है, तो मतलब ईंटा कितना लगा है इसमें? लगभग 1800 ईंटा लग गया। 1800 ईंटा कितने का हो गया? 12-13,000 टाली, 2,000-2,200 निकल जाए उनमें से, और का मतलब 10,000 का माना जाए तो 10,000 का ईंटा ही हो गया। हाँ। और सरकार कुल 12,000 देती ही है। हाँ। तो फिर सीट बनवाना, फिर उसकी सफाई कराना, फिर गड्ढा खुदवाना, ये सब फिर बाकी, मतलब जो आप 24,000 बाकी है, 10 बोरी सीमेंट लग गई। तो मतलब कुल ले दे के ये है कि सरकार की ये जो 12,000 में लैट्रिन बनाने की योजना नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। कोई सवाल नहीं हो जाए, कोई सवाल नहीं हो जाए 12,000 में लैट्रिन, जितना वो बताए हैं उतना ही बनाया जाए, तभी नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा? नहीं। आपने भी बनवाया है? हाँ। तो आप पुरान बना गया। अच्छा, आपका पहले से बना हुआ है। और आप? हमारा तो बन रहा है अभी, यही इसी योजना में, इसी योजना में अपनी जेब से। तो आपकी अपनी जेब से जो बना रहे हैं उसमें कितना पैसा लग रहा है? तो मान लीजिए बनवाना पड़ेगा तो लाखों रुपया। अच्छा, वो ज्यादा बड़ा गड्ढा और इस तरह का? तो ये छोटा वाला गड्ढा बनाने में गांव वाले लोग क्यों हिचक रहे हैं? हिचक रहे हैं कि वो पैसा भरपूर नहीं मिल रहा है और बाकी रह गया कि अपने पास से लगाना इसमें पैसा, तभी पैसा मेरे पास। ठीक बात है। तो आप सीट नहीं खरीद पाए? नहीं खरीद पाए, सफाई नहीं इसी तरह पाए, बैठाना ये कहाँ से बैठा, सफाई नहीं कर पाए, जो पाइप लगी वो अभी नहीं आ पाई अभी, मतलब। अच्छा, जो पाइप वाइप लगे, दरवाजा इसमें चाहिए, मतलब अभी कम से कम 15,000 रुपया खर्च है इसमें। ये है स्वच्छता अभियान का सच, जो 12,000 की लैट्रिन है, इन लोगों का कहना है कम से कम 30,000 रुपए में एक इंसान के जाने लायक रहता है, अन्यथा तो उसमें अगरबत्ती जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, या सामान रखें, या कूड़ा रखें, किस काम ही होता है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? गायत्री देवी। तो क्या समस्या क्या है आपकी, मतलब आपकी जो लैट्रिन बन रही है उसमें जो पैसा मिला है 12,000 रुपया पूरा मिल गया है? जी नहीं। कितना मिला? 6,000। क्या 6,000 बाकी क्यों नहीं दे रहे हैं? अब सर हम बता नहीं सकते क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये बताइए कि पैखाना लैट्रिन बनवाने का कहीं से दबाव भी पड़ रहा है क्या? मतलब ये है कि गड्ढा जल्दी से बनवा के दिखाइए। नहीं बनाएंगे तो? तो अभी उसके आगे बात तो कोई नहीं की। नहीं, सुनने में आ रहा था कि राशन वासन रोक देते हैं। हाँ। अच्छा, क्या कहते हैं, राशन नहीं देंगे? नहीं, राशन रुक जाएगा। ओ, तो मतलब ये अजीब सा नहीं है कि 12,000 में लैट्रिन बन नहीं सकता है और नहीं बनवाने पर राशन भी रुक जाएगा? जी। तो आप लोग सरकार से क्यों नहीं कहते कि ज्यादा दो फिर पैसा? कितना लगेगा आपके यहाँ जो बन रहा है उसमें? सर उसमें तो खर्चा काफी बढ़ जाएगा अगर बनेगा पूरा तो। हाँ, 12,000 लगभग 50,000 के ऊपर बैठेगा, नीचे थोड़ी ना बैठेगा। तो जो लोग भी गांव में बनवा रहे हैं अपनी जेब से कुछ न कुछ लगा रहे हैं। जी। मान लीजिए जो सक्षम नहीं हो कैसे बनवाएगा फिर? तो यही सब परेशानी है ना, छोड़ देगा गड्ढा।